हाय माहिर, फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम आपसे पोल खोल करने वाले आपके को एक्टर्स के बारे में। ओके, लेट्स डू इट। भूकड़ कौन है सेट पे? नील मोहित। क्या चीजें उनके पास मिलती है आपको? मतलब उनके पास कुछ नहीं मिलता है, बट जब वो मंगवाते हैं बहुत मंगवाता है। अगर उसको सैंडविच खाना है वो कम से कम 8 से 9 मंगवाएगा। वो पतले से इंसान में खाना चाहता है, नहीं पता। लेट कौन आता है सेट पे? टाइम पे कौन आता है मैं बता सकता हूँ। कौन आता है? मैं, परिणीता मैम और गिरीश सर। ऑलवेज बिफोर टाइम। ओके, लेट कोई नहीं आता। नो कमेंट्स। ओके, आपको फेवरेट कोई एक्टर कौन है, मतलब जिसके साथ आप ज्यादा हैंग आउट करते हैं? बॉन्डिंग बहुत ज्यादा। परिणीता मैम। ओके, तीन ऐसी क्वालिटीज जो आपने अपने को एक्टर से सीखी है, इंबाइब की है पूरी जर्नी के टाइम। Three qualities. Mm-hmm. One, be very vocal about your scenes. Two, be very patient in life. Three, it's okay not to say anything. Okay. Character से क्या तीन चीजें आपने सीखी है? How not to stay patient in life. How it's always okay to want what you want. And you don't have to say anything to express. Okay. आपका favorite moment या favorite scene कौन सा रहा है? बहुत सारे सीन्स, कुछ कुछ सीन्स हैं जो हमने बहुत डिफरेंट अप्रोच से किए हैं। जैसे फर्स्ट एपिसोड से अगर आप पकड़ो मेरा और दादा बाबू का सीन, देन अ फ्यू सीन्स बिटवीन मी मॉम एंड डैड हैव बीन वेरी यूनिक। किलिंग युविका बिफोर द फर्स्ट लीप, और अभी आप एक और सीन देखोगे वो भी बहुत अच्छा, मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स। कभी ऐसा हुआ है कोई एक ऐसा सीन जो आपके साथ रह गया हो लेकिन उसे बाहर निकलने में काफी टाइम लग गया? नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड पीपल हु से दैट इट हैपेंस विद देम, इट्स जस्ट पीआर। ओके, ऐसी कौन सी चीज है जो यू नो अंजलि की आपको इरिटेटिंग लगती है एज अ को-एक्टर? अंजलि और मेरे ज्यादा सीन्स होते नहीं है साथ, फनीली हमेशा पैरेलल सीन्स चलते हैं। So it's very tough to point out the irritating scenes. I get irritated with the character, so I don't like it. Don't like Yuvika, Yukti, whatever. Okay. कौन सी ऐसी तीन चीजें जो आपके को एक्टर की आपको अच्छी लगती है? कौन से वाले? जो भी जिनकी भी अच्छी लगती है उनके बारे में बताओ। तीन चीजें जो मैंने उनसे absorb करी वही तीन चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। But okay, I'll name a few more. हम वंशज में वी सराउंडेड बाय लॉट ऑफ सीनियर एक्टर्स, लेट इट बी पुनीत दिस्सा सर, गिरीश सर, परिणीता मैम, गुरदीप मैम, ममता जी, एंड इवन अली सर। लाइक अली सर, पुनीत सर, ये लोग तो मतलब 70s से हैं इंडस्ट्री में, दैट्स हाउ सीनियर दे आर। इतने सीनियर एक्टर्स आपके आसपास हैं बट वो इतने सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडिंग है। इट्स नॉट लाइक एवरी सीन इज देयर सीन, दे आर अ पार्ट ऑफ द सीन, और उस टाइम पे भी सपोर्ट करना टू अंडरस्टैंड एंड गिव अस द लिबर्टी टू परफॉर्म, बिकॉज us being youngsters, me being a youngster, it is very nice. बहुत ही एक comfortable environment बना दिया गया है हमारे लिए यहाँ पर, where you can experiment, where you can grow as an actor, and it's beautiful because मैं एक senior actor के पास जाके उनको बोल सकता हूँ सर मेरे को ना ये अटपटा लगा, and that senior actor is going to take it constructively, which you don't see anywhere else. Okay. कौन सी ऐसी चीज़ है you know जो आपको लगता है कि as an actor डायरेक्टर का विजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजन एंड दैट्स योर रूल बुक, यू हैव टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर। प्रैंक कौन करता है? मी। कौन सा प्रैंक किया है? कौन से नहीं किए हैं। बहुत के फ़ोन गायब हुए हैं, बेचारे फ़ोन ढूंढते रहे, एक एक दिन बाद मिले हैं। बहुत बार वी वुड से कि अरे मैम शॉट रेडी, मैम शॉट रेडी है वी, एंड वो इंसान शॉट रेडी नहीं है, वो इंसान सेट पे आता है एंड आई स्टार्ट स्क्रीमिंग क्या व्हाई एम आई वेटिंग दिस एंड दैट, एंड ऑल द सीनियर एक्टर्स जॉइन इन, एवरीवन लाइक इमेजिन अ ग्रुप ऑफ 16 एक्टर्स कंप्लेनिंग दैट इस इंसान की वजह से हमारा लेट हो रहा है, दैट पर्सन विल पैनिक, एंड ये प्रैंक्स हमने बहुत किए। ओके, थैंक यू सो मच, इट वाज फन चैटिंग। चीयर्स, थैंक यू।